पास है और ये ब्लू कलर है, आप देख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने इसको यूज़ किया है। और ये हमारे पास वॉल्यूम है, ये हम लोग किसी भी कलर को जब भी करते हैं तो इसको ज़रूरत, एक बार आप इसको ले लेंगे तो ये काफ़ी टाइम तक पड़ता है। और ये कर जाते हैं क्योंकि ये सिर्फ 15 ग्राम का आता है, तो ये बहुत छोटा सा होता है, तो इसको हम बना लेते हैं। एक हमें कांच की ही बोल लेनी है और यही हमारा परमानेंट बोल है जब हम इसमें डल कलर करते हैं। तो आप इसको देखिए, हम इतना इसको उसी क्वांटिटी में निकालेंगे। पिंक कलर का निकला है हमारा, आपको पता है हमने पहले हाईलाइटर लिया था उसमें ही निकला था, ये काफ़ी अच्छा होता है। तो ब्लाउंडर पाउडर और इसमें हम डेवलपर मिला देते हैं। डेवलपर हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा ऐड करने से फिर ये कलर जो है वो लाइट हो जाता है, तो हम जितना इसको ठीक रखेंगे तो कलर हमारा उतना ही बढ़िया है। देख सकते हैं ये हमारा पिंक कलर का था और ये पर्पल कलर का हो गया है। ग्लव तो आपको यूज करना है क्योंकि मैंने इससे पहले यही हाइलाइटर यूज किया था, तो मैंने उसमें ग्लव्स नहीं पहने थे, तो मैं उसकी भी आपको पिक डालूंगी कि वो कितने भयानक हो गए थे मेरे हाथ। तो इनका मानना है इन्हें इन्हें कैसे हाइलाइट चाहिए, तो इन्हें ऐसे चाहिए कि इन्हें इतने हेयर्स पर हाइलाइट चाहिए। और ये जो नीचे के हैं इनको हमें अलग से ब्लू कलर करना है, तो बहुत ही हल्की हल्की स्ट्रिप्स डालनी है हमें इसमें, है ना। हाँ बिल्कुल, ब्लू बहुत, और इससे पतली, मतलब पतली, बिल्कुल ही पतली डालनी है जिससे कि बिल्कुल कलर एकदम बहुत ही पतली डालनी है। बस दूसरा ग्लव भी पहनना पड़ेगा। पे सारा जो ब्रश, ये बहुत अच्छा होता है, इससे कलर बिल्कुल अंदर तक चला जाता है इजीली। तो ऐसे इसको दबा देना है जिससे अच्छे से अंदर चला जाए। और हमें इसको इसकी इस टाइप से, हमें अगर हमारे ये हेयर लंबे हो रहे हैं तो हम इसको फोल्ड करके इस टाइप से इसको कवर कर देंगे। फॉइल बांधने से हमारा कलर बहुत ही अच्छा आता है। दोबारा से बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा क्योंकि एक बार में इतना नहीं बनाना चाहिए, तो एक बार थोड़ा थोड़ा करके बनाएं। फ्रेंड्स हमने इसको पूरी तरह से लगा लिया है, अब हम इसको कम से कम 30 से 40 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं और फॉइल को अच्छी तरह से लगाते हैं। और मैंने इसको थोड़ा थोड़ा कर कर ही लगाया है, बनाया है जिससे कि ये अच्छा रिजल्ट दे। लेकिन ये कलर मुझे अच्छा नहीं लगा, जबकि मुझे ये सिर्फ 15 ग्राम है और 100 रुपीज़ का मिला था। अब ये ड्राई हो गए हैं और ड्राई होने के बाद मैंने इनको वॉश किया तो कोई भी कलर नहीं आया। जैसे कि इसकी पिक्स पर आप रैपर है जो उसका, उसको आप देख सकते हैं उस पर कितने अच्छे कलर आते हैं, वैसा इसका कलर बिल्कुल नहीं आया। अगर आप इसको ख़रीदने की सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप इसको नहीं ख़रीदें क्योंकि इसमें कलर बिल्कुल भी नहीं है। ब्लैक हेयर्स के लिए ये बिल्कुल बेकार है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और अगली वीडियो मैं डालूँगी जिसमें आप सिर्फ 20 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा कलर ले सकते हैं, तो वो वीडियो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए जिससे कि वो वीडियो की नोटिफिकेशन आपके